मागील 20 वर्षांपासून मुंबई शहरात गोळीबार करून खून खुनाचा प्रयत्न जीवेठार मारण्याच्या धमकीसह खंडणीची मागणी यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी प्रसाद उर्फ सुभाष विठ्ठल पुजारी उर्फ सिद्धार्थ शेट्टी उर्फ सिद्धू उर्फ सिद उर्फ जॉनी याच्याविरुद्ध मुंबई शहरातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे नोंद आहेत. आरोपी प्रसाद विठ्ठल पुजारी याने स्वतःची संघटित गुन्हेगारी टोळी तयार करून त्याच्या गुन्हेगारी टोळीच्या आर्थिक फायद्यासह समाजात दहशत निर्माण करणं तसेच गुन्हेगारी जगतावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशानं मागील 20 वर्षात आंतरराष्ट्रीय क्रमांकाचा वापर करून राजकीय व्यक्ती व्यावसायिक तसेच प्रतिष्ठित व्यक्तींना खंडणीसाठी धमकावत होता. गुन्हे शाखा मुंबई मागील बऱ्याच दिवसांपासून आरोपी प्रसाद विठ्ठल पुजारी हा पूर्वी श्रमीचा गँगस्टर कुमार पिल्ले गँगस्टर छोटा राजन यांच्या गुन्हेगारी टोळीचा हस्तक म्हणून गुन्हेगारी जगतात सक्रिय होता. विविध गुन्ह्यातील आरोपी असलेल्या संघटित गुन्हेगारी टोळीचा प्रमुख प्रसाद विठ्ठल पुजारी हा प्रदेशातून त्याच्या गुन्हेगारी कारवाया करीत असल्यामुळे पोलिसांच्या हाती लागत नव्हता. त्यासाठी गुन्हे शाखा मुंबई याच्यासह विविध यंत्रणा आरोपी प्रसाद विठ्ठल पुजारी याच्या मागावर होत्या. गुन्हे शाखा मुंबई यांनी आरोपी प्रसाद उर्फ सुभाष विठ्ठल पुजारी याच्या शोधकामी अगदी गोपनीयपणे राबवलेल्या मोहिमेला यश येऊन दिनांक 23 मार्च 2024 रोजी खंडणी विरोधी कक्ष यांनी आरोपी प्रसाद विठ्ठल पुजारी याला ताब्यात घेऊन त्याच्यावर गुन्हे दाखल करून त्याला अटक केली आहे. बिझनेसमॅन है, बॉलिवूड सेलिब्रिटीज है और बिल्डर्स, इनको वो धमकियां खंडणी के लिए धमकियां एक्सटॉर्शन के लिए धमकी के फोन देता था. अगर सामने वाले ने नहीं सुना तो अपने लोगों को भेज के उसपे उनपे फायरिंग करवाने के भी इंसिडेंट्स पिछले काफ़ी सालों में रजिस्टर उसके खिलाफ हुए हैं. अभी जो केसेस उसके खिलाफ तपास इन्वेस्टिगेशन चालू है जिन केसेस में, उन केसेस में 6 गुने जो हैं वो ट्रायल पे चालू हैं. 1 गुने में उसके साथीदार जो लोग हैं उनको कन्विक्शन हो गया है. अभी ये उसमें वांटेड अक्यूज था और जो आखिरी का गुना उसके खिलाफ दाखिल है 40/2023 एंटी एक्सटॉर्शन सेल, उसमें अप्रैल में 2023 में उसने जो उसके पुराने गुनों में फिरियादी पक्ष है उसको फ़ोन करके धमकी दी थी कि आप अपने केसेस वापस लीजिए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा. और हमारा जो ये ऑपरेशन था इसमें पिछले 10 महीने से ये चालू था. उसमें क्राइम ब्रांच के बहुत सारे अधिकारी जो कि हमारे साथ अभी यहाँ बैठे हैं और खड़े हुए कुछ अधिकारी कर्मचारी पीछे, इन्होंने बहुत मेहनत की है बहुत ही गोपनीय रूप से. जो भी बाकी एजेंसीज हमारे साथ थी उनके साथ मिलजुल के काम करके हम उस आरोपी को प्रसाद पुजारी को आज भारत में लाने में सफल हुए हैं. उसने जो भी गुने किए हैं उसके लिए उसको जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा या कोर्ट में चार्जशीट्स हैं वो सब फेस करनी पड़ेगी. ब्यूरो रिपोर्ट बातमीपत्र.